हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रॉयल विशु ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं विशु। आज मैं हूं मार्कंडे महादेव मंदिर कैथी वाराणसी में। यहां आने के लिए आपको वाराणसी से कैब या फिर बस द्वारा आ सकते हैं। यहां का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है औढ़ियार जंक्शन। औढ़ियार जंक्शन से यहां की दूरी मात्र 15-20 किलोमीटर है। इस मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। मार्कंडे महादेव मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब मार्कंडे ऋषि पैदा हुए थे तो उन्हें आयु दोष था। उनके पिता ऋषि मृकंड को ज्योतिषियों ने बताया कि बालक की आयु मात्र 14 वर्ष है। यह सुन माता पिता सदमे में आ गए। ज्ञानी ब्राह्मणों की सलाह पर बालक मार्कंडे के माता पिता ने गंगा गोमती संगत तट पर बालू से शिव विग्रह बनाकर शिव की अर्चना करने लगे। भगवान शंकर की घोर उपासना में लीन हो गए। बालक मार्कंडे के जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण हुए, यमराज उन्हें लेने आ गए। बालक मार्कंडे भी उस वक्त भगवान शिव की आराधना में लीन थे। उनके प्राण हरने के लिए जैसे ही यमराज आगे बढ़े, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव के साक्षात प्रकट होते ही यमराज को अपने पांव वापस लेने पड़े। उन्होंने कहा कि मेरा भक्त सदैव अमर रहेगा, मुझसे पहले उसकी पूजा की जाएगी। तभी से उस जगह पर मार्कंडे जी व महादेव जी की पूजा की जाने लगी और तभी से यह स्थल मार्कंडे महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हर हर महादेव, जय हो बाबा मार्कंडे जी की। मार्कंडे महादेव मंदिर की मान्यता है कि महाशिवरात्रि और उसके दूसरे दिन श्री राम नाम लिखा बेलपत्र अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये है गंगा नदी जो कि वाराणसी होते हुए गाजीपुर होते हुए आगे निकल जाती हैं। आइए मेरे साथ शुरू करते हैं बोट की सवारी और हम जा रहे हैं गंगा गोमती संगम तट पर। चलिए आपको दिखाते हैं गंगा गोमती मिलन। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय महादेव।